नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत को अस्थायी सदस्य बनाया गया है, इसीलिए ये आर्टिकल लिखा गया है आपका, उसी से संबंधित है। तो इस आर्टिकल में देखेंगे हम लोग कि सुरक्षा परिषद की पृष्ठभूमि देख लेंगे, आखिर होता क्या है, तो देखेंगे क्या है ये अस्थायी सदस्यता, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। पूर्व में भी भारत आपने देखा है अस्थाई सदस्य रह चुका है। सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है तथा शक्तियां क्या क्या हैं, सुरक्षा परिषद में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कई बार इस पर मुद्दा भी बन चुका है कि इसमें अब सुधार होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी के पक्ष में तर्क क्या है, सुरक्षा परिषद में अन्य समूहों की दावेदारी क्या है, चुनौतियां क्या हैं, स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए लाभ क्या है, इसमें उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। याद रखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख भाग है। आपने सुना होगा पांच भाग हैं, जिनमें से एक भाग आपका, उन्हीं में से एक है आपका सुरक्षा परिषद। तो सबसे पहले याद रखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आपकी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, 1945 में, याद रखना। इसमें आपके 153 सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं, 193, दो आपके निरीक्षक देश हैं, इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग इस आर्टिकल के मेन तथ्यों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। सुरक्षा परिषद पर विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व रहता है। समय समय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों में परिवर्तन होता रहता है। हाल ही में भारत 8वीं बार, कितनी 8वीं बार भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत वर्ष 2021 से 22 के बीच सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। याद रखिए 20 में चुना गया है, लेकिन इसका काम होगा 21 से। अगर सुरक्षा परिषद की पृष्ठभूमि की बात करें तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद में आपके 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। याद रखना है आपको 5 सदस्य इसके अस्थायी हैं। मूल रूप में सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे बढ़ाकर 1965 में 15 कर दिया गया था, लेकिन अगर हम लोग वर्तमान की बात करें तो इसमें आपके 5 स्थायी सदस्य हो गए और 10 अस्थायी सदस्य, कुल मिलाकर आपके 15 सदस्य हो गए। गौरतलब है कि इस स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को आपका 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। सीधा सा मतलब है जो अन्य 10 देश हैं आपके, इन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने? 2 वर्ष के लिए। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता पूरे दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करता है। एक बात याद रखिए, वीटो पावर का मतलब ये है कि अगर किसी मुद्दे पर 4 सदस्य एक पक्ष में, अगर एक भी सदस्य उसके विपक्ष में है तो वो मुद्दा सॉल्व नहीं होगा। यानी कि वो, आप इस तरह से ले लीजिए, जैसे अगर कोई कानून बनाने की बात आई है और 4 देश इसके पक्ष में है और बाकी सभी अस्थायी सदस्य भी इसके पक्ष में है, लेकिन अगर एक भी सदस्य इसके पक्ष में नहीं है तो उस कानून को, उस विधेयक को कानून की मतलब अधिनियम नहीं बन सकता है, यानी कि मंजूरी नहीं मिल सकती है। अब मसूद अजहर आतंकी घोषित किए जाने के मामले में आप देखा होगा, चीन हर समय उसमें अड़गा डाल देता था, लेकिन फिर ज्यादा ही पेशर डालने के बाद चीन ने भी उसे आतंकी सूची में डालने की सिफारिश कर दी थी, यानी कि स्वीकृति दे दी थी। तो इन्हें एक महाशक्ति कह सकते हैं, यानी कि एक स्पेशल पावर कह सकते हैं स्थायी सदस्यों को। क्या है आखिर स्थायी अस्थायी सदस्यता? अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में
क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। इस अस्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों में चुनाव होता है। इसमें 5 सदस्य आपके एशियाई या फिर अफ्रीकी देश में, 2 आपके दक्षिणी अमेरिकी देश से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 पश्चिमी यूरोप से या फिर अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। इस तरह से आपके बंटवारा है, ठीक है। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लिए निर्धारित 5 सीटों में से 3 सीटें अफ्रीका के लिए, 2 सीट एशिया के लिए निश्चित की गई है। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप दोनों में परस्पर मतलब के आधार पर अरब देशों मतता के आधार पर अरब देशों के लिए 1 सीट आरक्षित करने का भी प्रावधान है। दोनों महाद्वीपों के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में क्रमशः 1 अरब देशों की सदस्यता का अनुमोदन करना होता है। अगर हम लोग चुनाव की प्रक्रिया की बात करें, इसमें चुने गए सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया, तो सम संख्या से प्रारंभ होने वाले वर्षों में अफ्रीका महाद्वीप से 2 सदस्य देश और पूर्वी यूरोप एशिया प्रशांत क्षेत्र लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र से 1-1 सदस्य देश चुने जाते हैं। वहीं विषम संख्या से प्रारंभ होने वाले वर्षों में पश्चिमी यूरोप अन्य क्षेत्रों से 2 सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप लैटिन अमेरिका कैरिबियाई क्षेत्र से 1-1 सदस्य चुने जाते हैं। जून 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र से 1 सदस्य के लिए सर्वसम्मति से भारत का अनुमोदन किया गया था। ध्यातव्य है कि इस अनुमोदन को चीन और पाकिस्तान का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ था। आपको याद रखना है, जो पाकिस्तान है और चीन है, इसने भी सिफारिश की थी आपके भारत के सदस्य बनने की। पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से 2 सदस्यों के चयन हेतु कनाडा, आयरलैंड व नॉर्वे ने दावेदारी प्रस्तुत की थी। लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र से 1 सदस्य के लिए मेक्सिको का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। अफ्रीका महाद्वीप से 1 सदस्य के चयन के लिए केन्या और जिबूती ने दावेदारी प्रस्तुत की थी। यदि कोई देश सर्वसम्मति से उम्मीदवार बना है तो उससे उसके समूह द्वारा उसे पूर्ण समर्थन प्राप्त है, तो भी उसे वर्तमान सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के वोट सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है, जो कि न्यूनतम 129 वोट है। यदि सभी 193 सदस्य राज्य भाग लेते हैं, यानी कि 193 में से 129 वोटों का आवश्यकता होती है। भारत ने जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक की समय अवधि के लिए मतदान करने वाले 192 देशों के सापेक्ष 184 देशों का समर्थन प्राप्त किया है। समझ रहे हैं आप लोग, टोटल आपके 152 देश उपस्थित थे, उनमें से 184 देशों का समर्थन आपको मिला हुआ है। पूर्व में भी भारत अस्थायी सदस्य रह चुका है, जैसा कि इससे पूर्व भी भारत वर्ष 1950-51 में, 1967-68 में, 1972-73 में, 1977-78 में, 1984-85 में, 1991-92 में और 2011-12 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है आपका भारत। वर्ष 2011-12 में कजाकिस्तान द्वारा अपनी दावेदारी से पीछे हटने के बाद भारत ने मतदान करने वाले 190 देशों के सापेक्ष 187 देशों का समर्थन प्राप्त किया था। याद रखिए, आप ये मत कहिए कि इस बार ज्यादा वोट मिले आपके पक्ष में। 2011-12 में आपके 190 देशों में से आपके 187 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था। जहां अफ्रीका महाद्वीप ने 3 सीटों की दावेदारी को लेकर रोटेशन की पद्धति को अपनाया, वहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र में इस तरह के समन्वय का अभाव दिखता है। सुरक्षा परिषद में दावेदारी को लेकर एशिया प्रशांत क्षेत्र की देशों में अक्सर पिथी स्पर्धा देखने को हमें मिलती है। वर्ष 2018 में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी को लेकर मालदीव और इंडोनेशिया के बीच आपसी पिथी स्पर्धा देखने को मिली थी। अमूमन आपसी पिथी स्पर्धा के कारण अस्थायी सदस्यता की दावेदारी को लेकर चुनाव कई दौर तक चल सकते हैं। वर्ष 1975 में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पिथी स्पर्धा देखने को मिली। चुनाव 8 राउंड तक चला, जिसमें अंततः पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुई थी। 1975 की बात है। अब सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या होती है और शक्तियां क्या क्या हैं? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है।
जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है। यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र एकमात्र निकाय है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का अर्थ होता है निषेधाधिकार। स्थायी सदस्यों के लिए के निर्णय से अगर कोई भी एक स्थायी सदस्य सहमत नहीं है तो यह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस निर्णय को रोक सकता है। यानी कि जो भी पक्ष हो, सभी देशों की जो स्थायी सदस्य हैं 5 देश, इनकी सहमति आवश्यक होती है। अगर एक भी उसके विपक्ष में तो उस पर सहमति यानी कि उस पक्ष को यानी कि जो भी मुद्दा है उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, यानी कि उस पर आम सहमति नहीं हो सकती है। ठीक है, सीधा सा मतलब। सुरक्षा परिषद में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों बात चल रही है उसे देख लीजिए। सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 की भू राजनीति के हिसाब से की गई थी। मौजूदा भू राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से अब काफी अलग हो चुकी है। ये तो बात वैसे ही है कि आपने देखा होगा कि अभी हम लोग कई ऐसे कानून फॉलो कर रहे हैं जो अंग्रेजों के समय में बने हुए थे, 1800 के करीब बने हुए थे। उन कानूनों को भी हम लोग अभी भी लागू कर रहे हैं, उन्हीं पर हमारी शासन प्रशासन चलता आ रहा है। तो अभी आप देखते हैं कई आप इसमें बदलाव भी किए जा रहे हैं, अपडेट भी किया जा रहे हैं। तो उस समय की परिस्थिति अलग थी, इस समय की अलग परिस्थिति है, इस समय के हिसाब से अपडेट होना चाहिए। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद से ही इसमें सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। इसमें कई तरह के सुधार की आवश्यकता है जिसमें संगठनात्मक बनावट प्रक्रिया सबसे अहम है। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों में यूरोप का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, जबकि यहाँ विश्व की कुल आबादी का मात्र 5% ही निवास करती है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50% से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है। शांति स्थापित करने वाले अभियानों में अहम भूमिका निभाने के बावजूद भारत जैसे अन्य देशों के पक्ष को मौजूदा सदस्यों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में सुधार की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इसमें अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका अपनी सेना और आर्थिक शक्ति के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भी अनदेखी करता रहता है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी के पक्ष में तर्क क्या है? 1.3 बिलियन आबादी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहां विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 1/5 भाग हिस्सा निवास करता है। भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आर्थिक कद से भारत के दावों को और मजबूत किया है। मौजूदा समय में भारत विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा पीपीपी पर आधारित जीडीपी की दृष्टि से भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत को अब विश्व व्यापार संगठन ब्रिक्स और G20 जैसे आर्थिक संगठनों में सबसे प्रभावी देशों में गिना जाता है। भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली रही है। आपने देखा होगा हमारा देश बहुत शांतिप्रिय देश है। भारत संयुक्त राष्ट्र की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला भी देश है। आप सुन रहे हैं कि अब G7 था उसमें भी शामिल किए जाने की बात चल रही है भारत को। तो आप समझ सकते हैं कि भारत हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य होना लाजमी है। सुरक्षा परिषद में अन्य समूहों की दावेदारी की बात करें तो G4 समूह, भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान ने मिलकर G4 नामक समूह बनाया। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के लिए सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। G4 समूह का मानना है कि सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, न्याय संगत और प्रभावी
बनाने की जरूरत है। L69 समूह, ये समूह भारत, एशिया, अफ्रीकी और लेटिन अमेरिका के करीब 42 विकासशील देशों के एक समूह की अगुवाई कर रहा है। L69 समूह ने UNSC यानी कि इसी सुरक्षा परिषद में सुधार मोर्चा पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अफ्रीकी समूह, अफ्रीकी समूह में 54 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की वकालत करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण समूह है आपका अफ्रीकी समूह। इस समूह की मांग है कि अफ्रीका के कम से कम 2 राष्ट्रों को वीटो की शक्तियों के साथ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। इसका भी सही कहना लाजमी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं वहां से आप किसी को लेना, यानी कि वो तो वैसे ही बात हो गई कि जिस क्षेत्र से की समस्याएं हैं वहां के किसी व्यक्ति को उसमें शामिल ही नहीं किया जाए। अब उस जगह की क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उनका समाधान हो सकता है, वही व्यक्ति जान सकता है ना, उस क्षेत्र में जो रह रहा हो। इसके सामने चुनौतियों की अगर हम बात करें तो स्थायी सदस्य देश अपने वीटो पावर को छोड़ने के लिए सहमत नहीं है, ना ही वे इस अधिकार को किसी अन्य देश को देने पर सहमत है। भारत की सदस्यता के लिए चार्टर में संशोधन कर लेना पड़ेगा। इसके लिए स्थायी सदस्यों के साथ साथ 2/3 देशों द्वारा पुष्टि करना आवश्यक है। अमेरिका जहां बहुपक्षवाद के खिलाफ है, तो वहीं रूस भी किसी तरह के सुधार के पक्ष में नहीं है। सुरक्षा परिषद में एशिया का एकमात्र प्रतिनिधि होने की मंशा रखने वाला चीन भी संयुक्त राष्ट्र में किसी तरह का सुधार नहीं चाहता है। चीन नहीं चाहता है कि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बने, और ये देश कोई भी नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी बराबरी में आकर खड़ा हो। G4 समूह में शामिल देशों के साथ भी विभिन्न मानकों पर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जैसे मानव विकास सूचकांक, लैंगिक अंतराल सूचकांक इत्यादि में भारत की रैंकिंग जर्मनी और जापान जैसे देशों से खराब है। स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लाभ क्या होते हैं? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रतिबंध लगाने या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए सुरक्षा परिषद के समर्थन की आवश्यकता होती है। स्थायी सीट भारत को वैश्विक भू राजनीति में अधिक मजबूती से अपनी बात रखने में सक्षम बनाएगी। सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता भारत को वीटो पावर प्रदान करेगी। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता द्वारा बाह्य सुरक्षा खतरों, भारत के खिलाफ राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समाधान के लिए तंत्र को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। ये सभी लाभ होंगे अगर भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल जाती है। निष्कर्षता क्या कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता निश्चित तौर पर स्थायी सदस्यता की दिशा में अग्रसर होने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। स्थायी सदस्यता भारत को वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, रूस यानी कि जिन्हें वीटो पावर मिली हुई, के समकक्ष लाकर खड़ा कर देगा। अतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को भी और अधिक गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये कहानी थी आपकी सुरक्षा परिषद की, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का ये भाग है, ठीक है संस्था।